तो दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर पता नहीं कितने लोग सोच के बैठे होंगे कि मुझे बिजनेस करना है। दोस्तों बिजनेस करना कोई एक आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, पर बिजनेस में जितना प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट किसी में नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए देखो 100% लोग सोच के बैठे हैं, पर उसमें से बस 75% लोग नहीं करते, 25% लोग कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस करना हर किसी की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आज इतना मोटिवेट करूंगा ना, तो आप खुद ही बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाओगे, यानी कि तैयार हो जाओगे। पर बिजनेस करने के लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पैसा काफी ज्यादा चाहिए होता है। पैसा तो चाहिए होता है, पर साथ में उसके साथ हमारा एक माइंड चाहिए, जो कि जो सारा खेल ही माइंड का होता है। दोस्तों पैसा तो लगता ही है बिजनेस में, कम पैसा भी लगता है, ज्यादा पैसा भी लगता है, पैसे की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा ज्यादा भी लगेगा कम भी लगेगा वो बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा कितना खर्च होगा। तो पहली बात तो ये, अगर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो तो आपको सबसे बड़ा लेना होगा रिस्क। दोस्तों बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे कभी भी जिंदगी में। तो उससे पहले आपको रिस्क लेना पड़ेगा जो आप बिजनेस सोच रहे हो करने के लिए। तो पहले आप डिसाइड कर लो कौन सा बिजनेस सही रहेगा सही नहीं रहेगा, शायद आपकी सोच बदल सकती है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं करना चाह रहे हो, कोई और बिजनेस करना चाह रहे हो। पहले आप एक डिसाइड करो कि मुझे ये बिजनेस करना है, फिर उसमें आप जो रिस्क लोगे उसको कैसे आपने रिस्क लेना है वो अपना माइंड से मतलब कि आप सोच सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस में सारा खेल ही माइंड का है। क्योंकि आप अपने माइंड से चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तो आपका बिजनेस अच्छे से खुल भी जाएगा और अच्छे से चलेगा, आपको प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों हमारे इंडिया में 75% लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है इसमें माइंड का गेम है सब, और एक तो पैसा लगता है और दूसरा माइंड से चलना पड़ता है तभी बिजनेस कामयाब होगा हमारा, ऐसे तो नहीं चलने वाला बिजनेस। इसलिए 25% लोग कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसा भी रहता है बैकबोन, और ऊपर से उनके पास माइंड भी रहता है, एजुकेशन काफी ज्यादा रहती है उनके पास, उनका माइंड चलते रहता है, और उनको ये भी पता होता है कौन से बिजनेस में हमको प्रॉफिट होने वाला है और कौन सा बिजनेस हम खोले जो काफी आगे तक चलेगा, और कौन सा मतलब कि नहीं खोले जो कभी चलेगा ही नहीं बिजनेस। दोस्तों ये भी एक बात होती है, मतलब कि कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और काफी ज्यादा चलते भी हैं, कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा लो चलते हैं और बाद में वो बंद भी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे मतलब कि बहुत लोग करते हैं, कि इन लोगों का बिजनेस काफी टफ भी हो जाता है, मतलब कि डाउन हो जाता है, नहीं चलता, बंद हो जाता है लास्ट में आगे। कि इन लोगों का बिजनेस काफी टाइम तक चलता है और अच्छा खासा चलता है, क्योंकि ये चलो माइंड की बात होती है, वो मतलब कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिजनेस खोलना है, उस पर डिपेंड करता है वो, ना उस हिसाब से चलता है। तो दोस्तों देखो अगर बिजनेस करना है आपने, आप छोटा बिजनेस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस करना है आपने, आप छोटा बिजनेस भी कर सकते हो। तो पहली बात तो ये मतलब कि माइंड आपका होना चाहिए भाई, अगर बिजनेस करना है ना आपका माइंड सिर्फ तेज चलना चाहिए, और आप कहीं भी पैसा अगर लगा रहे हो, पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सही जगह पे इस्तेमाल करो, जो आप बिजनेस खोल रहे हो वहाँ पे हर एक जो आप सामान ला रहे हो उसका रेट चेक करो, फिर उसके बाद अपना आप रेट लगा सकते हो, उससे क्या होगा कि आपका इनकम बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों बिजनेस में हमेशा इनकम ही आती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो बिजनेस करने के लिए आपका माइंड होना चाहिए और पैसा होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप बिजनेस कर सकते हो, वो भी अच्छा खासा वाला। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, मोटिवेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।